अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल से मैं FIA के जितने भी ऑफिस हैं उसके चक्कर लगा रहा हूँ। जो कल सैफ रहमान को नेप कोर्ट से FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया था, तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है उसके मुताबिक, जब एक जगह पे किसी केस का वो चल रहा होता है अदालत में, तो दूसरी किसी भी महकमे में या इदारे में उसका वो नहीं चल सकता। तो अभी उम्मीद ये है कि उसकी शायद ज़मानत हो जाए, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, तो उसकी ज़मानत हो जाएगी और मामला जो है वो फिर नेब में ही रहेगा। फैसला जो नेब का होगा वो सब के लिए होगा और FIA से ये ख़त्म हो जाएगा। नेब के जो वो है केस के साथ, इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उधर ही होगा, जो भी मामला उधर हल होंगे उधर ही होंगे। एक तो मुझे दोस्तों ने परेशान किया हुआ है, फ़ोन करते हैं। अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि ज़्यादा कुछ अपने काम पे तवज्जो दें और जो नेब का फ़ैसला होगा वो टाइम पे देखा जाएगा। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि सबके लिए के खैर का मामला हो, और हम भी दुआ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा फ़ोन ना कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम भी करने होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाह फैसल है। मैंने दिसंबर 2022 में FIA में सैफ रहमान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी थी, जिस पे परसों एक FIR हुई थी और कल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। सो चूँकि ये जो मामला है ये ऑलरेडी नैब में चल रहा है, सो नैब जो FIA के हवाले से जो चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला जो है वो नैब में चल रहा है, तो वो FIA में वो मामला ख़त्म हो गया है और मैंने बयान दे दिया है, और कल इंशाल्लाह अदालत में भी यही मैं बयान दे दूंगा। सो FIA के हवाले से जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई है। थैंक यू।